नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट, और आपका स्वागत करता हूं आज के एक और बेहतरीन खास और जबरदस्त वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं आउटडोर, यानी कि एक स्टूडियो से बाहर। आप तक ना भी जो वीडियो देखे मैक्सिमम स्टूडियो में शूट हुई है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत सारे टॉपिकों को। आज की वीडियो आउटडोर है और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं केज कल्चर। क्या होता है केज कल्चर, सबसे पहले समझ लीजिए। यहाँ पर आप पीछे देख पाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। एक्चुअली में जो ये पूरी वाटर बॉडीज है, यानी ये पूरा जो आपको झील दिखाई दे रही है, ये एक नदी के ऊपर बनी झील है जो कि नर्मदा नदी है। और ऐसी बड़ी नदियों में प्रोडक्टिविटी बहुत कम मिलती है। नॉर्मली यहाँ पे यदि हम एक नॉर्मल तालाब में जब मछली पालन करते हैं तो एक एकड़ के तालाब में IMC पाली जाए तो वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी होती है वो 5,000 से 7,000 किलो तक मिल सकती है एक एकड़ से एक साल में। लेकिन यहाँ पे ऐसे बड़े जो रहते हैं, यहाँ पे मेंटेनेंस हो नहीं पाता कुछ भी। प्रोडक्टिविटी यूजली एक हेक्टेयर में 80 से 90 किलो ही मिल पाती, जो कि बहुत कम होती है। पर ये वाटर बॉडीज का यदि प्रॉपर तरीके से यूज करना हो तो इसके लिए एक टेक्निक विकसित की गई है, जैसे कहा जाता है केज कल्चर। केज का मतलब क्या होता है, केज का मतलब होता है पिंजड़ा। पानी के बीच में पिंजड़े बनाए जाते हैं जिसमें मछलियों को रखा जाता है। कंपेरेटिवली ये बहुत अच्छा सिस्टम होता है यदि आपके पास ऐसे बड़े तालाब हैं या बड़ी वाटर बॉडीज हैं जो कि काफ़ी बड़ा होता है, जैसे कि एक पूरा डैम ही है जो नदी पर बना है, तो इसके ऊपर केज कल्चर होता है। इनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है और ये कह सकते हैं एक इंटेंसिव टाइप का कल्चर होता है। कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और आप लंबे समय तक इससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो अभी आज इस वीडियो में मैं आपको उसी केज में ले जाने वाला हूँ। वहाँ ले जाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना हुआ है, कैसे वहाँ पे मछली पाली जाती है, कौन सी मछली पाली जाती है, और केज कल्चर के बारे में आप जानेंगे बहुत कुछ। तो दोस्तों चलिए सीधे उसी स्ट्रक्चर तक पहुँचते हैं। दोस्तों दोस्तों देखिए, सामने जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, हमको जाना है वहाँ तक, और ये आ चुकी हमारी नाव। वैसे हम जिसके ऊपर खड़े हैं इससे भी जा सकते थे, ये भी एक कंप्लीट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है जिससे हम वहाँ तक जा सकते। यूजली इसी का यूज किया जाता था, लेकिन ये अभी उतना वर्क यहाँ पे है नहीं है, काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम इस नाव पे जाने वाले हैं वहाँ तक। तो चलिए वहाँ चलते हैं। केज कल्चर एक ऐसा सिस्टम है कि यदि आपके पास एक पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब एक नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है कि वो अकेले केज लगा सके, लेकिन अगर आपके पास लमसम पैसा है ठीक ठाक इन्वेस्ट करने के लिए, देन केज कल्चर आप कर सकते हो। केज कल्चर के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, लेकिन केज कल्चर के बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। मेन डिसएडवांटेज यही है उसका, मतलब कह सकते हैं कि जो ड्रॉबैक यही है, पैसा बहुत लगता है, मतलब इजी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जैसे नॉर्मल फार्मिंग कोई किसान कर रहा है तो बड़ा इजी होता है कि अगर एक ऑनलाइन ट्रेनिंग भी वो कर लेता है प्रॉपर तरीके से, किसी एक्सपर्ट से कंसल्टेंसी ले लेता तो नॉर्मल कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल फार्मिंग उतनी कठिन नहीं है। लेकिन केज कल्चर के लिए एक पूरी एक्सपर्ट की टीम चाहिए होती है, और इसके साथ में जो लोकल लोग हैं उनका भी बहुत कह सकते हैं बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि केज हमेशा ऐसी जगह में लगाए जाते हैं जो कि बहुत बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं, और वो हमेशा गवर्नमेंट्स की होती हैं, तो उनके अप्रूवल्स लेने होते हैं आपको, फिर वहाँ पर पूरा सेटअप लगाना होता है, पूरे इक्विपमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। और लेकिन बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट्स तो यही होता है कि आप एक खुले वाटर बॉडीज़ के ऊपर कल्चर कर रहे होते हैं, तो हमेशा पानी के अंदर जो पैरामीटर्स के ख़राब होने के आपने हमेशा देखा होगा ना, प्रॉब्लम्स जो रहती है नॉर्मली से आप तालाब में जब करते हैं, तो वो ऐसे वाटर बॉडीज़ में प्रॉब्लम्स कम होती हैं। तो अभी तो मैं यहाँ पे हूँ तालाब में, कह सकते हैं बड़ी डैम ही है ये। पानी ये आपको काफ़ी हरा दिख रहा होगा, इसके पीछे का रीज़न है कि ये भरा हुआ पानी, अगर ये पानी बह रहा होता ना तो इतना ग्रीनेस नहीं होता। मैं बोलना चाहूँगा कैमरामैन से कि अगर पानी को प्रॉपर तरीके से दिखाएं। और ये जो बोट है ये भी एक ट्रेडिशनल तरीके की बोट है, मतलब एक होती हैं कुछ मैकेनाइज बोट होती हैं, वो भी थी पेट्रोल से चलने वाली, पर इशू ये हुआ कि उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद हमने सेकेंडली फिर इस बोट को मंगाया, और इसमें जा रहा है अगर पेट्रोल बोट होती तो और स्पीड से चलती, वो पानी में काफ़ी तेज़ी तरीके से चलती हैं। तो अभी के लिए तो हम यहाँ पे हैं, इस देखने में बहुत ही आपको वीडियो में अच्छा लग रहा होगा कि वाह वाह बहुत अच्छी जगह है, लेकिन एक्चुअली में थोड़ा डर भी लगता है ऐसी, क्योंकि पानी की गहराई एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है, और नॉर्मली जहाँ पे केज लगाए जाते हैं पानी आपको देखने को मिलेगा कि यूजली 200 फीट 300 फीट 400 फीट इतना गहरा होता है, और ऐसी ही जगह में केज लगाए जाते हैं। तो ये लगभग हम पहुँच चुके हैं केज के पास में। दोस्तों तो अभी मैं खड़ा हूँ, नाव से आ गया, केज में पहुँच गया, और अब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये केज कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, ऑलमोस्ट कितनी कॉस्टिंग आ सकती है इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दो सेटअप हैं जो कि काफ़ी बड़े और काफ़ी अच्छे सेटअप हैं।
ये मेरे पीछे वाला सेटअप तो पूरा पीछे तक है, और सामने मैं आपको दिखाता हूँ इतना ही बड़ा एक और सेटअप है। कैमरामैन से बोलूंगा कि वो कैमरा घुमा और पीछे भी दिखाए कि लगभग इतना ही बड़ा एक और सेटअप है जो कि इसके पीछे है। तो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, एसेंशियल हैं, जरूरी हैं आपके केज कल्चर के लिए, क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि ये पूरा जो केज कल्चर है ये पानी के ऊपर तैरता है। यदि यहाँ पे पानी की गहराई की बात करें तो 200, 300, 400 फीट आपको यूजली अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो और आपको पूरा डैम दिख रहा है, यहाँ पे और भी ज्यादा गहरा है। इतने ही ज्यादा जो गहरे डैम होते हैं वहां पे ही हम इस तरीके से मछलियों का पालन करने के लिए केज कल्चर लगाते हैं। केज कल्चर पूरे में पानी से तैरता हुआ एक कल्चर होता है। यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे पानी में ये पूरा सिस्टम तैरता है। तैरने के लिए इस तरीके के ये जो ब्लॉक होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी नीचे तक ब्लॉक होगा और ये पूरा जो ब्लॉक होता है ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि एक सिंथेटिक मटेरियल का पूरा बना हुआ है, प्लास्टिक आप समझ सकते हैं सरल भाषा में, और इसको आपस में इंटरलॉक करके लॉक किया जाता है। ये काफी कह सकते हैं कि ऐसा होता है जो काफी वजन को सह सकता है और पानी के ऊपर तैरता रहता है। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से घेरे बनाए जाते हैं। अब ये देखिए इतना बड़ा जो पूरा सिस्टम है, जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा ही सिस्टम बनाया जाए। केज का मतलब एक प्रकार से अगर मैं आपको समझाऊं, केज का अर्थ होता है पिंजड़ा। मछली तालाब बहुत बड़ा है, मछली पालन करनी है, मछली भाग जाएगी कैसे पालन करेंगे, तो पानी के बीच में बेसिकली हम एक पिंजड़ा तैयार कर देते हैं। पिंजड़ा कैसे तैयार करेंगे, पानी में तैरना चाहिए, जैसे मिट्ठू या तोते का आपने पिंजड़ा देखा होगा, समझ लीजिए मछली का पिंजड़ा है। यहाँ पे एक इस तरीके का जाल इस्तेमाल किया जाता है। ये जो जाल है, यदि इसकी पानी तो यहाँ पे बहुत गहरा है, लगभग 200-300 फीट गहरा है, लेकिन जो ये जाल है इसकी गहराई लगभग 25 से आपको 20 से 25 फीट मिलेगी लगभग। ये जो पानी है, जाल है, जहां तक ये जाल कैसा होता है आपने देखा कि चारों तरफ से ये जाल इनसे बंधा हुआ है। यहाँ पे ये पाइप लगे हुए हैं लोहे के, इसी से अटैच है, इसमें से चारों तरफ से बांध दिया गया। ये ऑलमोस्ट एक तरीके आप कह सकते हो इसका स्ट्रक्चर तो मच्छरदानी जैसा होता है। चारों तरफ से ये जाल है और नीचे जैसे मच्छरदानी ऊपर की तरफ होती है, नीचे की तरफ होता है। मछली की कंडीशन या प्रजाति के हिसाब से इसके ऊपर भी एक तरीके से प्रोटेक्टिंग जाल लगा दिया जाता है ताकि मछली जंप करके बाहर ना चली जाए। ये जो फ्लोटिंग कह सकते हैं कि ब्लॉक होते हैं, ये अलग अलग प्राइस में अवेलेबल होते हैं। अलग अलग ये क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो केज बनाती हैं, और वो जो कंपनियां होती हैं जो केज तैयार करती हैं वो आपसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेंगे कितना बड़ा केज बनाना, वो आके बना जाती हैं। कॉस्टिंग की बात करूँ तो लगभग जो एक ये ब्लॉक है, जैसे एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, तीसरा ब्लॉक ये है, तो जो अलग अलग केज होते हैं लगभग ये आपको 800 से 1000 रुपए का एक ब्लॉक पड़ेगा। तो अगर आप ब्लॉक ब्लॉक की कीमत देखें तो लगभग देखिए हजारों की संख्या में ब्लॉक लगे हैं। तो ये कॉस्टिंग है, जाल की कॉस्टिंग है, फिर इसको मेंटेनेंस की कॉस्टिंग है, बनाने वाले जो इंजीनियर, लोकल आदमी नहीं बना सकता है, लोकल व्यक्ति नहीं बना सकता, इसके लिए प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी जो आपको बना के देती हैं ये बना सकती हैं। इसके ऊपर मछली को पकड़ने के लिए अलग से, जैसे कि वहां पे मैं आगे आपको दिखाऊंगा किस तरीके का जाल का इस्तेमाल किया जाता है, वो जाल होते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक सेटअप होता है बहुत बड़े झील या बहुत बड़े तालाब में जहाँ पे मछलियों की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, इस तरीके का सेटअप लगा के आप पालन कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सी मछलियाँ पाली गई हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे नजदीक से अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग तरीके से कि क्या है, कैसे हैं। और तो देखिए यहाँ पे आपको देख रही होंगी मछलियाँ जंप करती हो, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पास आए भाई आप। यहाँ पे मैं यहाँ पे आ गया, मछलियाँ नीचे चली गई। तो नॉर्मली यहाँ पे अभी थी मछलियाँ, और वो जो मछलियाँ थी जो मुझे दिखी है वो है पंगास मछली। मैं आपको दिखाता हूँ कि इन मछलियों को निकालने के लिए क्या क्या सिस्टम रहते हैं। सिंपली आप यदि देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी के नीचे, तो ये जो जाल है ये इस तरीके का जाल है, ये इसको डायरेक्ट आप ऊपर खींच देंगे ना, तो एक साइड से खींचते 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 किनारे तक आप लेके चले जाएंगे, मछलियाँ ऑटोमेटिक ऊपर जाएंगी, वहां से पकड़ पकड़ के उनको पिक कर लेते हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इससे मछलियों को निकाला जाता है। तो आइए मैं आपको और अलग अलग तरीके से जाल दिखाता हूँ, अलग अलग तरीके से कैसे कैसे। देखिए यहाँ पे इसमें कोई मछलियाँ नहीं है, जाल इसके नीचे से पानी के प्रेशर की वजह से ऊपर आ चुका है। वहाँ पे देखिए जो हम वहाँ पे गए थे वो मछलियाँ फिर ऊपर आने लगी, दूर से हम शूट करेंगे, पास जाने पर मछलियाँ वापस शांत हो जाती हैं और नीचे चली जाती हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, केज कल्चर के फायदे क्या क्या होते हैं, मैं आराम से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको पानी से नीचे से यहाँ से बबल्स पानी ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा होगा, पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। केज कल्चर का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, सबसे खास फायदा ये होता है,
कि नॉर्मली यदि आप एक तालाब में मछली पालन कर रहे हैं, एक नॉर्मल से वाटर बॉडीज में मछली का पालन कर रहे हैं, तो उसके साथ में समस्या ये होती है कि वहाँ पे आपका अमोनिया बढ़ेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, वहाँ पे आपके नाइट्रेट बढ़ेगा, नाइट्राइट बढ़ेगा, पीएच की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये देखिए जो पानी है ये है जाल से, जाल लगा हुआ है, पूरी झील का पानी यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से जा सकता है, मछलियाँ यहाँ पे हाई डेंसिटी में है। यदि अमोनिया बढ़ गया, चिंता की कोई बात नहीं है, पानी की लहर आएगी, जाल से होते हुए पानी निकल कर चला जाएगा, नया पानी आ जाएगा, पुराना पानी बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे कभी अमोनिया वगैरह की प्रॉब्लम होती भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अभी आपको काफ़ी टेस्ट करके बताऊंगा अलग अलग चीज़ों के, कि कैसे यहाँ पे आपको लो पीएच देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ पीएच तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल झील है, झीलों का भी अपना एक पीएच होता है, अपने अपने यहाँ पे पैमाने होते हैं। चलिए तो और एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि सामने क्या, सामने देखिए आपको दिख रहा होगा एक घर जैसा, वो क्या है, उसकी क्या यूजफुल होता है, क्या उपयोग है, आज मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। आइए मेरे पीछे, मैं आपको पूरी तरीके से आज केज कल्चर की एक एक खासियत, एक एक बारीकी के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो केज है, यहाँ पे बीच में आपको ये घर नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये पानी में तैरता हुआ घर है, इसका नीचे कोई बेस नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मली ड्रम है ये, और चारों तरफ से इस तरीके के जो ड्रम है आपने घरों में देखे होंगे, ड्रम लगाए गए हैं, और इनके वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर तैर रहा है। ये पूरा फ्रेम बनाया गया है और फ्रेम के ऊपर इस तरीके से टीन कसे गए हैं। ये क्या घर है, क्यों बनाया गया है, इसकी क्या खासियत है? देखिए मछली पालन में आप काम कर रहे होते हैं ना, तो इनको फीड देना पड़ता है, इनको तमाम तरह की वो चीजें उपलब्ध करानी होती है जो कि मछलियों की जरूरी है। तो यहाँ पे ये उन लोगों के लिए घर, जो यहाँ पे वर्कर्स रहते हैं, जो यहाँ पे इनका पूरा सामान आप देख सकते हैं। पर इस घर को बनाने में भी ट्रिक है, ये नॉर्मली अगर आप घर बनाएंगे तो घर जो होगा वो डैमेज हो जाएगा। उसका कारण क्या है, यहाँ पे मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि कितने सारे ये जो मेंटेनेंस भी इसका लगातार चलता रहता है। ये नॉर्मली वो कह सकते हैं कि नट आप कह सकते हैं कि जो लगाए जाते हैं, तो इनको खोल के दो ब्लॉक को आपस में जोड़ने के लिए वो इस तरीके से अटैच होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, आपको दिखाना चाहूंगा कि ये नट जो है यहाँ पे यूज होते हैं। तो ये यहाँ पे नट है, दोनों को जोड़ा गया और इस नट को फंसा दिया गया, ये ऑलमोस्ट इसी से होते। तो यहाँ भी प्लास्टिक का यूज किया गया, जो काफी अच्छा तरीके का प्लास्टिक होता है, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए पीवीसी टाइप का मटेरियल है, ताकि उससे खराब ना हो। क्योंकि आप अगर लोहे का नट यूज कर लिया, लोहे का कोई भी मटेरियल यूज करेंगे तो वो जंग खाएगा और जंग से वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन घर बनाने की ट्रिक क्या है, नॉर्मल घर बनाएंगे, यहाँ पे देखिए ना पूरा झील के बीच में है। मैं आपको यहाँ पे बाहर से दिखाना चाहूंगा, इस तरफ से बाहर आते यहाँ पे देखिए फीड वगैरह रखा हुआ है। ये किसी कंपनी का मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे जो यूज हो रहा है वो है, ये पूरा सामान रखा हुआ है, इनके पर्सनल खाना ही बना लेते हैं ये। यहाँ पे फीड रखा हुआ है, फीड का यूज जो करते हैं मछलियों को खिलाने के लिए करते हैं। इसके बाहर इनका एक अलग स्टोर रूम रहता है, वहां पे वो बड़ी संख्या में रखते हैं, यहाँ पे कम समय, क्योंकि पानी फ्लोटिंग घर है, ज्यादा सामान रख नहीं सकते, हल्का फुल्का सामान रखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड से बाहर आता हूँ। देखिए इस घर को बनाने में ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि यहाँ पे तो ये पूरा आपको टीन का यूज किया गया है, चद्दर है टीन की जो काफी हल्की होती है, इसके ऊपर इतना खुला छोड़ दिया गया। खुला क्यों छोड़ा गया है, यदि मैं आपको पीछे का एरिया दिखाऊंगा, एक बार कैमरामैन से बोलूंगा कि पीछे घुमा के दिखाएं, तो पीछे का जो एरिया है पूरे तरीके से खुला एरिया है, पानी है, हवाएं तेज चलती हैं कभी कभी, और कभी कभी हवाएं इतनी तेज हो जाती हैं कि अगर ये स्ट्रक्चर में यहाँ खुला नहीं छोड़ा जाएगा तो ये टीन ऊपर उड़ जाएंगे और घर ये बह के चला जाएगा, रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए हवा का सर्कुलेशन होता, तो ये इसकी भी ट्रिक होती बनाने की, नॉर्मली बनाएंगे मुश्किल से बहुत दिन नहीं चलेगा, टूट जाएगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं केज कल्चर। केज का अर्थ होता है पिंजड़ा, पानी के अंदर जाल से पिंजड़ा बनाया गया, फ्लोटिंग से उसे तराया जाता है,